मेरे साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं रुकजी लाइव। क्या राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन से कांग्रेस पर गांधी परिवार का एकाधिकार होगा समाप्त? क्या राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन से कांग्रेस में कलह की होगी शुरुआत? जी हाँ, इन सवालों का जन्म यूं ही नहीं हुआ है। दरअसल ये हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गांधी परिवार का शासन रहा है। अगर मौजूदा समय की भी बात करें तो भले ही इस वक्त कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन उन्हें भी गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। यानी कि आलोचकों का कहना है कि भले ही गांधी परिवार ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर लिया, लेकिन इस चुनाव में उन्हीं के करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत हुई, जबकि यहां पर शशि थरूर को हार का मुंह देखना पड़ा। इससे ये साफ है कि भारत की एक बड़ी आबादी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा हुजूम भी पार्टी और गांधी परिवार को अलग नहीं मानता है। पर अब जबकि राहुल गांधी अगले 8 वर्षों तक चुनाव लड़ने से दूर हो जाएंगे, तो फिर कांग्रेस का क्या होगा, एक बड़ा सवाल। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में भी कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी पर गांधी परिवार का प्रभुत्व नहीं चाहते हैं। ऐसे में आलोचकों के अनुसार वे एक बार फिर गांधी परिवार को ओवरटेक करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस में दरार पैदा हो सकती है, क्योंकि विरोधियों का यह रवैया गांधी परिवार समर्थकों को रास नहीं आएगा। यानी कि इस मुश्किल घड़ी में गांधी परिवार के लिए कांग्रेस की एकजुटता को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि अब जबकि सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से लगभग दूर हो चुकी है और राहुल गांधी कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं, तो फिर पार्टी प्रियंका गांधी को प्रमोट कर सकती है। जी हां, वैसे भी अगर गांधी परिवार से कोई चेहरा अगर आगे बढ़कर पार्टी को लीड करे तो फिर पार्टी में दरार आने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। बात अगर प्रियंका गांधी की करें तो कई लोग उनकी तुलना इंदिरा गांधी से भी करते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस में उनकी स्वीकारिता भी है, यानी कि अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को प्रमोट करती है तो पार्टी नेताओं को इस पर कोई खास ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, या ऐसा नहीं होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये फैसला लेना भी काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अचानक किसी बड़े पद के लिए कांग्रेस प्रियंका गांधी पर विचार नहीं कर सकती। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस वक्त ऐसी राह पर आकर खड़ी हो चुकी है जहां से पार्टी की राह काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। अब देखना ये है कि कांग्रेस चुनौती से कैसे निपटती है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं व्यूवर्स, तो रुकजी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।